झज्जर की पुलिस को, कप्तान साहब को, सीएम साहब को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को और झज्जर के डीसी साहब को पूरी एक रात का समय दिया है 12 घंटे का, गिरफ्तार कर लीजिए। की बेटी नहीं है। सुबह 10 बजे प्रदर्शन किया जा रहा है। कल सुबह 10 बजे 28 तारीख को सोमवार को लघु सचिवालय मिनी सेक्रेटरिएट झज्जर विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। डीसी साहब का घेराव किया जा रहा है। सजा की मांग करते हैं। होश में आ जाए प्रशासन, होश में आ जाए सीएम साहब, होश में आ जाए डीसी साहब, होश में आ जाए एसएसपी साहब। चेतावनी देते हैं 12 घंटे की। आज की 27 तारीख हो चुकी है, 19 तारीख से 27 तारीख, आज 8 दिन हो चुके हैं, लेकिन दरिंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस व्यक्ति की अभी तक भी, इस दरिंदे की, इस हैवान की गिरफ्तारी नहीं की है पुलिस ने। एसपी को शर्म आनी चाहिए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी। हरियाणा में खट्टर राज का परिणाम है ये, हरियाणा में बीजेपी राज का परिणाम है ये। बेटी बचाओ, पूछूंगा डीसी साहब से ये बहुजन बेटी क्या आपकी बेटी नहीं है। पूछूंगा मैं कप्तान साहब से क्या बहुजन बेटी आपकी बेटी नहीं है। अनुवादित दरिंदे धर्मवीर नाम है उसका, धर्मवीर सन ऑफ राम नारायण। अगर इसका फोटो मिलता है तो वो भी मैं सोशल मीडिया में जल्दी प्रसारित करूंगा। ये झज्जर में बहुजन समाज की बेटी के साथ दुराचार की घटना होती है और आज तक भी प्रशासन ने उस आरोपी को, उस दरिंदे को गिरफ्तार नहीं किया। 19 तारीख की वारदात है जब बहुजन समाज की बेटी खेत में चारा लेने के लिए जाती है तो जिस व्यक्ति का खेत है उसी खेत के मालिक के बेटे के द्वारा ये दरिंदगी की जाती है, ये हैवानियत की जाती है। आज भी प्रशासन खामोश है, हरियाणा सरकार खामोश है। अब तक उस व्यक्ति की, उस दरिंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं, झज्जर का हैमादल शाहपुर गांव है। झज्जर हरियाणा में, झज्जर का अहमादल शाहपुर गांव है। इस गांव की बेटी, भारत की बेटी, हरियाणा की बेटी, बहुजन समाज की बेटी खेत में चारा लेने के लिए गई थी और 19 तारीख को मनुवादी व्यक्ति, झज्जर की पुलिस को, कप्तान साहब को, सीएम साहब को, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को और झज्जर के डीसी साहब को पूरी एक रात का समय दिया है 12 घंटे का, गिरफ्तार कर लीजिए। और एक मनुवादी दरिंदे धर्मवीर नाम है उसका, धर्मवीर सन ऑफ राम नारायण। अगर इसका फोटो मिलता है तो वो भी मैं सोशल मीडिया में जल्दी प्रसारित करूंगा। इस व्यक्ति की अभी तक भी, इस दरिंदे की, इस हैवान की गिरफ्तारी नहीं की है पुलिस ने। झज्जर का प्रशासन खामोश है। लड़की, लड़की के परिवारजन, उसके रिश्तेदार न्याय की आस में जगह जगह धक्के खा रहे हैं, जगह जगह ठोकरे खा रहे हैं, लेकिन सिवाय उनको प्रताड़ना के कुछ भी नहीं मिल रहा। यह हरियाणा में खट्टर राज का परिणाम है, यह हरियाणा में बीजेपी राज का परिणाम है। एसपी को शर्म आनी चाहिए और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को भी। 19 तारीख की यह घटना होती है और आज कितने दिन हो गए हैं, लेकिन बिल्कुल भी प्रशासन के कान पर जूं तक भी नहीं रेंग रही है। 27 तारीख हो चुकी है, 19 तारीख से 27 तारीख, आज 8 दिन हो चुके हैं,
लेकिन दरिंदे की गिरफ्तारी नहीं हुई है। झज्जर के मेरे जितने भी साथी हैं, जितने भी भीम सैनिक हैं, झज्जर के पास बहरगढ़ है, झज्जर के साथी, बहादुरगढ़ के साथी, आसपास के साथी, रोहतक के साथी, कल सुबह 28 तारीख को, 28 सितंबर को मैं सुबह 10 बजे मिनी सचिवालय पहुंच रहा हूं। मिनी सचिवालय जहां पुलिस कप्तान का भी कार्यालय है, जहां उपायुक्त महोदय का भी, हरियाणा की खट्टर सरकार के खिलाफ के दरिंदों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार नहीं कर सकते तो हमें अथॉरिटी दो, हम अपना न्याय स्वयं करना जानते हैं, हमें गिरफ्तारी चाहिए। गिरफ्तारी अगर गिरफ्तार नहीं कर सकते तो ये अथॉरिटी हमें दीजिए, भीम सेना को ये अथॉरिटी हम भीम सैनिकों को दीजिए, फिर देखते हैं कैसे न्याय नहीं होता। हम फांसी की सजा की मांग करते हैं, होश में आ जाए प्रशासन, होश में आ जाए सीएम साहब, होश में आ जाए डीसी साहब, होश में आ जाए एसएसपी साहब। चेतावनी देते हैं 12 घंटे की, आज की तारीख और आज का टाइम, इस वीडियो का टाइम नोट कर लीजिए, अदरवाइज समय हमारा होगा। आप हमें अथॉरिटी दें, बहुजन बेटी को न्याय हम दिलाएंगे। सुबह 10 बजे आ रहा हूं झज्जर, 28 सितंबर को, सोमवार 28 सितंबर सुबह 10 बजे झज्जर आ रहा हूं। झज्जर के जितने भी भीम सैनिक साथी हैं, झज्जर लघु सचिवालय मिनी सेक्रेटरिएट पहुंचे, ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे, और झज्जर के आसपास के साथी, भादरगढ़ के, रोहतक के, नजबगढ़ के जो आसपास के साथी है सारे पहुंचे। गुड़गांव के साथियों से भी निवेदन करता हूं कि गुड़गांव के साथी भी पहुंचे, इस बहुजन बेटी को न्याय दिलाना है आज, क्योंकि प्रशासन पूरे तरीके से निष्क्रिय हो चुका है, प्रशासन सत्ता के दबाव में है, और कहीं ना कहीं राजनीतिक रसूख, सत्ता का दबाव प्रशासन के ऊपर है, तभी सुनवाई नहीं हो रही है, तभी गिरफ्तारी नहीं हो रही है। दोबारा कह रहा हूं सारे साथियों को, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, बहुत कम समय की बात है। कल सुबह 10 बजे प्रदर्शन किया जा रहा है, कल सुबह 10 बजे 28 तारीख को, सोमवार को, लघु सचिवालय मिनी सेक्रेटरिएट झज्जर विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है, डीसी साहब का घेराव किया जा रहा है। ऐसे ही मैं अपने समाज का आह्वान करता हूं, भारत के प्रधानमंत्री क्या वो आपकी बेटी नहीं है? अपने समाज का आह्वान करता हूं सुबह 10 बजे पहुंचे, और कम समय है भैया, समय कम है, एक रात बाकी है, प्रशासन के लिए भी भारी साबित होगी, क्योंकि एक रात भर का, 12 घंटे का अल्टीमेटम, 12 घंटे का समय मैं प्रशासन को दिया है, झज्जर के प्रशासन को, एक रात भर का समय हमारे समाज के पास है। मीटिंगें कर लो, व्हाट्सएप करो, एसटीडी करो, फोन कॉल करो, फेसबुक पोस्ट करो, इंस्टाग्राम करो, ट्वीट करो, कुछ भी करो, लोगों के पास जाओ, साइकिल उठाओ, मोटरसाइकिल उठाओ, गाड़ी उठाओ, कुछ भी लेकर के लोगों के पास जाओ, गांव गांव जाओ, सबको बताओ, सुबह 10 बजे 28 सितंबर मिनी सेक्रेटरिएट लघु सचिवालय झज्जर पहुंचना होगा। भैया जी आ रहे हैं नवाब सतपाल तंवर, यह ऐलान है हमारा वहां के प्रशासन को, जितनी तैयारी करनी है कर लीजिएगा, न्याय दिलाने आ रहा हूं बहन बहन को, अपनी बहन को न्याय दिलाने आ रहा हूं, भजन की बेटी को न्याय दिलाने के लिए आ रहा हूं, जितनी तैयारी करनी है सारी कर लीजिएगा। जवाब तो मैं मांगूंगा डीसी साहब, वो बहुजन बेटी आपकी बेटी नहीं है क्या? वरना हमें अधिकार दे दीजिए, न्याय हम करना जानते हैं, वरना हमें अधिकार दे दीजिए। भीमसेना इतनी समर्थ है, और भीमसेना प्रमुख सतपाल तंवर भी इतना समर्थ है, न्याय करना तो मैं जानता है, और हमारे भीम सैनिक भी
कमजोर ना आके भीमा कोरेगांव का इतिहास दोहरा दिया जाएगा, कमजोर ना आके फूलन देवी का इतिहास दोहरा दिया जाएगा। कमजोर ना समझे, फूलन देवी का इतिहास तो अमर हो चुका है, फूलन देवी का इतिहास दोहरा देंगे। इसलिए कह रहा हूं प्रशासन से निवेदन है हमारा, भैया जी नवाब सतपाल तंवर का निवेदन है और विनम्र निवेदन करते हैं, कम ना आखिएगा किसी सूरत में भी। परिवार वो अकेला नहीं है, वो परिवार अकेला नहीं है, वो बहन अकेली नहीं है, पूरा समाज खड़ा है, सारे भीम सैनिक खड़े हैं और यो नवाब सतपाल तंवर भी खड़ा है। भाई गिरफ्तार कर लो दरिंदे को और फांसी पर लटकाना है उसको, फांसी की सजा की मांग करते हैं, अदरवाइज हमें अधिकार दे दो, स्टाम्प पेपर के ऊपर लिख करके दे दो, डीसी साहब कप्तान साहब अगला वक्त हमारा होगा, फूलन देवी का इतिहास दोहरा देंगे। ऐसी बहन बेटियों के हमारे पास कमी नहीं है, भीम से काट करके फेंकना जानती है वो भीम शेरनी। साथियों सुबह 10 बजे सबको सूचना दे दो, ये वीडियो वायरल करना आपके हाथ में है, इस प्रदर्शन को कामयाब बनाना आपके हाथ में है, प्रशासन को झुकाना आपके हाथ में है, बहुजन बेटी को हमारी बहन को न्याय दिलाना आपके हाथ में है। रात रात भर में वायरल कर दो, पूरी वायरल कर दो, रात रात भर में प्रशासन को पता चलना चाहिए कि हमारे समाज में भीम सैनिकों में कितनी बड़ी ताकत होती है।